और वो अपने इस्लाम को फैलाने के लिए कर रहा। बिल्कुल बिल्कुल जी, मेरा जो अगला सवाल है, क्या कुरान में आपको कुछ झूठ महसूस हुआ? ये पूछिए, सच क्या महसूस हुआ? मतलब आपको सच नहीं लगा कुछ भी? कुछ भी सच नहीं है। नदी पहाड़ का तो उन्होंने ऑमलेट बना के खा लिया है, पहाड़ को गाढ़ा। मैं सच सच को आपको, तो उस समय ना मैं जो हमारा हमारे वो थे क्या बोलते हैं उनको, जो आर्ट के आर्ट सेक्शन में जो विषय होता है, क्या बोलते हैं उसको, कॉलेज में आर्ट आर्ट सेक्शन सेक्शन होते ना, जी, मैं तो आप पढ़ाई भूगोल वाली भूगोल बात, भूगोल 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 भूगोल। अच्छा भूगोल बोलते हैं जी, तो मैंने शुरू शुरू पढ़ा था उसके बारे में। अल्लाह पाक ने कहा था कि और हमने पहाड़ों को गाड़ दिया, कि हाँ कहाँ पे गाड़ जमीन में दिया गाड़ दिया। जी, वो हदीस में भी आता है कि जमीन जब अल्लाह पाक ने बनाई थी तो वो हिलने लग रही थी, तो हमने उस मेघों पहाड़ को गाड़ के गाड़ उसको जमा दिया दिए। हाँ, जी पहाड़ को एज अ मेखे खील की तरह गाड़ जी दिया। जी 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 तो मैंने अपने दोस्तों से पता किया, क्योंकि उनका जो विषय भूगोल है, मेरा तो विज्ञान है, ये बॉटनी केमिस्ट्री है सब, तो पहाड़ वहाड़ के जी बारे में हम नहीं पढ़ते। लेकिन जी मुझे इस चीज के बारे में जानना था, तथ्य कि सही है कि गलत है। जी मैंने अच्छा पूछा कि आप, हाँ, अच्छा जी जी बताइए, क्या बता रहे थे? मैंने पूछा कि यार बताओ पहाड़ कैसे बनते हैं, तो उन्होंने बोला कि जमीन के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं जो हमेशा जी गति करती रहती हैं, और जी उनकी गति बहुत धीमी होती है। तो जब जी एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरे के ऊपर आती है तो उसके उभार से पहाड़ का निर्माण होता है, यानी कि वो नीचे जी से ऊपर आती है, और गाड़ने का मतलब ऊपर से नीचे होता है। जी तो फिर मुझे पता चला कि इस्लाम इतना झूठा है, और खुदा ऐसा दिमाग वाला है जिसको यही नहीं पता कि पहाड़ कैसे बनते हैं। और आज भी माउंट एवरेस्ट हर साल कुछ कुछ मतलब बहुत नैनो मतलब जो सेंटीमीटर होता है ना, वो बढ़ रहा है, वो जो माउंट जी एवरेस्ट है वो। तो ये तो इस बात का खुला खुला सबूत है कि पहाड़ गाड़े नहीं गए थे। तुम कैसे इसको खुदा मान ले जिसको ना जमीन का पता, ना आसमान का पता, और ना ये पता कि पहाड़ गड़े थे कि निकले हैं। बेशक बेशक।